नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। दिसंबर का महीना और तेंदुलकर का रणजी डेब्यू पर शतक, यह ऐसा वाक्य है जो हम भारतीय क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए सुनते आए हैं। सचिन ने 1988 में अपने रणजी डेब्यू पर शतक जड़ा था। इसके 34 साल बाद उनके बेटे अर्जुन ने भी 23 साल में वही कारनामा कर दिया है। फिर दिसंबर का महीना और फिर एक तेंदुलकर का रणजी डेब्यू पर शतक आ गया। अर्जुन ने गोवा की ओर से खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। अर्जुन शतक जमाकर नाबाद हैं, वहीं गोवा की टीम पहली पारी में 400 रन के करीब पहुंच गई है। सचिन ने गुजरात के खिलाफ बनाए थे नाबाद 100 रन। सचिन ने 11 दिसंबर 1988 को मुंबई की ओर से गुजरात के खिलाफ अपना पहला रणजी मैच खेला था। तब महज 15 साल के रहे सचिन ने 100 रन की नाबाद पारी खेली थी। तब सचिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे कम उम्र में शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे। सचिन ने बाद में दलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी भी डेब्यू मैच में शतक जमाया था। अर्जुन तेंदुलकर ने किसी हल्की टीम के खिलाफ भी कारनामा नहीं किया है। राजस्थान की टीम 2 बार की रणजी चैंपियन है। वहीं टीम में कमलेश, नागरकोटी, महिपाल, लोमरोर जैसे आईपीएल स्टार गेंदबाज हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।